computer networks, OSI model, session layer. So next layer is session layer. Session layer का क्या work होता है? First is authentication and authorization. Authentication means जैसे आप किसी भी site पर visit करते हैं, कभी कहीं पर भी login करते हैं, तो वहाँ पर जो user name, password आप use करते हैं, वो जो save होते हैं या फिर उनको एक्चुअल में जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और जो एक्चुअल में डाटाबेस से सेव है, वो दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो किस चीज़ में कौन डील करता है? सेशन लेयर, राइट. सेकंड इज सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन जैसे कि हमें वर्ड पता चला है कि नहीं, दो चीज़ों के बीच में हमें सिंक करना है, ठीक है. और यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? किसी दो स्टेट्स को सिंक्रोनाइज करना. फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आप एक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में क्या है कि जो लिपसिंग है वो वॉइस से मैच नहीं कर रही है, ठीक है. तो वो एक्चुअल में क्या है कि सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन करने का काम किसका होता है? सेशन लेयर का होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके कोई भी वॉइस और ऑडियो दोनों, ऑडियो और वीडियो दोनों एक फाइल है जिनको मैच करना है, क्योंकि हो सकता है कि तो जो दोनों फाइल हैं, सी डाटा एक ही है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी डाटा था, कोई भी आपने लेक्चर डाउनलोड किया और जो लेक्चर चल रहा है उसकी लिपसिंग अलग चल रही है, साउंड अलग आ रही है, ठीक है. तो वो जब आप डाउनलोड करके आप देख रहे हो तो वहाँ पर दोनों ही फाइल, वीडियो और ऑडियो दोनों ही अलग अलग कह सकते हैं कि नोड या फिर अलग अलग पाथ को फॉलो करके आइए, बट एट द एंड आपके सिस्टम पे उनको सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो वो किसका काम होता है? सेशन लेयर का. दिस सर्विस मूव्स टू सेशन इनटू द सिंक्रोनाइज स्टेट सो दैट द बोथ ऑफ देम रिकॉग्नाइज ईच अदर, ठीक है. एक और काम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो आप यूज़ करते नहीं करते हैं, हम यूज़ करते थे बिट टॉरेंट, ठीक है. बिट टॉरेंट आप मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए यूज़ करते थे मोस्टली. तो बिट टॉरेंट पे क्या होता था, फॉर एग्जांपल कि आपने डाउनलोडिंग पर लगाया और बीच में आपका नेट कनेक्शन चला गया एक्स वाई जेड रीज़न से, ठीक है. तो वहाँ पर क्या होता था कि आपकी जो मूवी है फॉर एग्जाम्पल कि 65% डाउनलोड हो चुकी थी, बट नेट कनेक्शन की वजह से वो क्या हुआ, बंद हो गया. और फिर से जब आपका नेट कनेक्ट हुआ तो डाउनलोडिंग फिर से स्टार्ट हुई. अब वो जो डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी वो बिल्कुल बिगनिंग से नहीं होगी, ठीक है. एक पर्टिकुलर चेक पॉइंट होगा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट होगा जहाँ से वो दोबारा डाउनलोड होना स्टार्ट होगी, ठीक है. कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जैसे ये पूरी एक फाइल थी जो आपकी डाउनलोड होनी थी और यहाँ पर चेक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, हम कह सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट दिया हुआ है, बट आपकी जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ तक हो चुकी थी, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे ही नेट डिसकनेक्ट हुआ और फिर से डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई तो वो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट नहीं होगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी. वो कहाँ से होगी? जो लास्ट चेक पॉइंट होगा वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है. तो यहाँ पर जो भी फाइल है उसमें बहुत सारे आपके चेक पॉइंट्स होंगे कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम आपका यहाँ कनेक्शन जाते हो तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, जो इसके पास वाला चेक पॉइंट होगा वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन. और ये किसका काम होता है? सेशन लेयर का. नेक्स्ट इज द डायलॉग कंट्रोल. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि डायलॉग कंट्रोल या फिर डायलॉग मैनेजमेंट किस लेयर का काम होता है, वो होता है सेशन लेयर का, ठीक है. तो डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, या फिर आप सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका लेक्चर चल रहा है, ठीक है, टीचर आपको लेक्चर दे रही है और आप ऑब्वियसली लेक्चर में आपको अलाउड होता है कि आप खड़े होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. तो कॉन्फ्रेंसेज में भी यही होता है, बट यहाँ पर क्या है कि डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल करना है कि कौन एक टाइम पर डाटा सेंड करेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपकी टीचर आपको लेक्चर दे रही है और आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो टीचर हो सकता है वो आपको बोले कि नहीं, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, ठीक है, अभी आप नहीं बोल सकते, ठीक है, जब मैम फिनिश हो जाएंगी उसके बाद आप बोल सकते हैं, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या हुआ? डायलॉग कंट्रोल, कि जब दो कंप्यूटर आपस में डाटा रिसीव कर रहे हैं या फिर सेंड कर रहे हैं तो वहां पर सी हमें दो चीजें पता है कि दो मोड होते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स मतलब एक ही साइड पर डाटा जा सकता है एक टाइम पर, ठीक है, या तो सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो. फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि आप सेंड भी कर सकते हो रिसीव भी कर सकते हो एक ही टाइम पर, बट नॉर्मली जब आप डायलॉग मैनेजमेंट आपके सिस्टम में होता है या फिर आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो प्रोवाइड करा रहा है तो उस केस में क्या होता है, आप हाफ ड्यूप्लेक्स को ही यूज कर रहे होते हैं. मतलब क्या है कि जिस टाइम पर आप डाटा रिसीव कर रहे हैं उस टाइम पर आप डाटा नहीं सेंड कर सकते, ठीक है. तो कम्युनिकेशन में
एक ही मोड रहेगा जो मोस्टली एक्चुअल में होता है कि जब आप डाटा रिसीव कर रहे हैं आप सेंड नहीं कर सकते, और सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता है रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है डायलॉग कंट्रोल, ये होता है सेशन लेयर का काम। ओके।